हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है काइजन इनोवेशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अपने मोबाइल का यूज़ करके आपको अगर ईमेल सेंड करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी एकदम आसान तरीके से। ईमेल तो टाइप कर दिया पर वापस से जस्ट मैंने ओपन किया तो वहाँ पे वो ईमेल दिखाई ही नहीं दिया, तो वो ईमेल कहाँ गया, उसी के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आपको ये भी बताऊँगा कि ईमेल सेंड हुआ है या नहीं हुआ, कि हम कैसे जान सकते हैं, मतलब पूरा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का नया ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर ये जीमेल वाला एप्लीकेशन ओपन कर देना है दोस्तों। तो मैंने जैसे ही ये एप्लीकेशन ओपन किया, इस तरह का इंटरफेस यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर दोस्तों ये जो कंपोज लिखा हुआ आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहां पर क्लिक करोगे इस तरह का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। जो फॉर्म है दोस्तों इसके अंदर आपका खुद का ईमेल आईडी होगा, आपने जो भी बनाया होगा। टू के अंदर आपको किसको भेजना है, आपकी टीचर को ईमेल सेंड करना है, आपके भाई को करना है, आपके बॉस को करना है, आपके सेक्रेटरी को करना है, किसको जिसको भी करना हो, आपके सीनियर को करना है, के जूनियर को करना है, तो उसका ईमेल आईडी यहां पे आपको लिखने का पड़ेगा। किस रिगार्डिंग आप ये ईमेल कर रहे हो वो सब्जेक्ट आपको डालना रहेगा और कंपोज ईमेल आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि टू के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए xyz@gmail.com हो सकता है, या फिर हॉटमेल हो सकता है, या फिर याहू मेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डजंट मैटर। या किसी के ऑफिस का होता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों का, तो उनका खुद का एक सर्विस प्रोवाइडर होता है ईमेल का, तो वो भी हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं TCS, तो @tcs.com हो सकता है, @microsoft.com का भी हो सकता है। तो हम नॉर्मल पर्पज़ के लिए बात कर रहे हैं अभी जीमेल के लिए, तो मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या डालना है, सब्जेक्ट के अंदर जैसे मैं सम्पोज एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैं लीव रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे लीव लेना है। यहाँ पर लीव रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे ईमेल लिखना है, मतलब यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना है कि भाई क्या हुआ था, किस रीज़न से मैं ले रहा हूँ, तो हेलो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जस्ट आपका रीज़न लिख देना है, ठीक है, मैंने जो कुछ भी ऐसे टाइप कर दिया आपको अच्छे से टाइप करना है, ठीक है। और फिर अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो या PDF फॉर्मेट में हो, तो दोस्तों ये जो इस तरह का आइकन देखने को मिल रहा है ये गोल गोल, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे इस तरह के दो ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि आपको जो भी चीज़ अटैच करनी है वो अटैच फाइल करनी है या इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव करनी है। इंसर्ट फ्रॉम ड्राइव तो भाई समझ में आ गया कि गूगल ड्राइव की बात कर रहा है, पर अटैच फाइल क्या है? अटैच फाइल दोस्तों ये है कि आपके मोबाइल के अंदर जो भी अटैच जो भी फाइल होगी उसको अटैच करना हो। जैसे मैं अटैच फाइल ओपन करता हूँ, आप दोस्तों देख सकते हो इस तरह का एक थोड़ी देर के बाद इंटरफेस इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपकी जो भी फाइल्स होगी आप वो अटैच कर सकते हो, चाहे इमेज हो गया, ऑडियो हो गया या वीडियो हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक करता हूँ, इस तरह का कंप्लीट हो जाएगा। और फिर दोस्तों ये जो इस तरह का एरो वाला आइकन आ रहा है उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ईमेल सेंड हो जाता है, ठीक है। तो मैं एक बार बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद मैं वापस से कंपोज पे क्लिक करता हूँ, तो जो हमने टाइप किया था वो तो है नहीं, तो भाई वो कहाँ गया, तो वो गया ड्राफ्ट मोड में। तो भाई ड्राफ्ट मोड को कैसे देखते हैं, तो दोस्तों ये जो थ्री डॉट आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे बहुत अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, उसके अंदर दोस्तों ये आ रहा है ड्राफ्ट, उस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे जो भी ईमेल सेंड नहीं हुआ है, आपने जस्ट लिख के टाइप करके रखा है कि जब ज़रूरत होगी तब मैं सेंड करूंगा, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप दोस्तों देख सकते हो जो भी मैंने टाइप किया था वो एज इट इज़ आ रहा है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो पेंसिल का आइकन आ रहा है उस पर आप क्लिक करोगे तो ये पूरा इस तरह से एडिट मोड में भी आ जाएगा। आपको कुछ और टाइप करना तो अभी आप टाइप कर सकते हो और सेंड बटन पे क्लिक कर सकते हो। मान के चलो दोस्तों ये अगर आपने ईमेल सेंड कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे मैंने सेंड पे क्लिक भी कर दिया, ये सेंडिंग हो गया, सेंड हो गया। ये सेंड होने के बाद कहाँ पे दिखाई देता है, तो मैं जैसे बैक आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे थ्री डॉट पे मैंने वापस से क्लिक किया और दोस्तों ये जो सेंड वाला ऑप्शन आ रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे ये लीव रिक्वेस्ट जो भी मैंने लिखा था पूरा सेंड इस तरह से आपको यहाँ पे आ गया होगा। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों कि हम ईमेल को कैसे सेंड कर सकते हैं, वो भी एकदम आसान तरीके से। कुछ भी समझ में ना आया हो, किसी भी तरह की परेशानी हो, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, हम जरूर से आप लोगों की मदद करेंगे। हेल्प करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। सो थैंक यू गाइज टू वॉचिंग माई वीडियो, बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।